नमस्कार बच्चों, आपका हमारे चैनल एडुविला पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है एडुविला पॉइंट। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 21 क्लास 8 की साइंस। इसमें हमें दे रखा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु की विस्थापित रिएक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि अगर एक धातु दूसरे धातु के संग रिएक्ट करता है तो किस तरह विस्थापन होता है, नहीं डिस्प्लेस होता है। हमें यहाँ दे रखी है एक एक्टिविटी, तो आइए देखते हैं हमें क्या एक्टिविटी दे रखी है। और एक्टिविटी करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ मेटल्स हमारे, यानी कुछ धातु हमारे काफी रिएक्टिव होते हैं, यानी काफी अभिक्रियाशील होते हैं, कुछ लेस होते हैं, यानी कुछ कम अभिक्रियाशील होते हैं, और कुछ मेटल्स यानी कुछ धातुएं हमारी ऐसी भी होती हैं जो हमारी किसी भी चीज के संग रिएक्ट नहीं करती हैं, यानी वो कोई भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो आइए देखते हैं। हमें यहाँ एक एक्टिविटी दे रखी है, देखिए हमें क्या दे रखा है। हमें 100 ml के दो बीकर दे रखे हैं, बीकर ए और बीकर बी। हमारे बीकर ए और बीकर बी, हमें इनमें क्या दे रखा है, 50 ml पानी। दोनों में हमें 50 ml पानी दे रखा है। और क्या दे रखा है हमें, डिजोल्व। हमें क्या करना है, अब हमें इनमें डिजोल्व करना है कॉपर सल्फेट। क्या करना है बच्चों, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट पुट करने के बाद, एक में हमने कॉपर सल्फेट पुट किया और दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, पुट अ गैल्वनाइज्ड आयरन नेल, मतलब हम एक नेल रख रहे हैं और एक जिंक स्ट्रिप, मतलब लोहे की टुकड़ा, लोहे का नहीं, जिंक का एक टुकड़ा हम उसमें बीकर ए में रख रहे हैं, और दूसरा हम लोहे का टुकड़ा यानी कील बीकर बी में रख रहे हैं। देखिए, तो अगर हम देखें, अगर ये रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, अगर रिएक्ट करेगा तो हम बीकर ए में देख सकते हैं जिंक डिस्प्लेस कॉपर, तो यानी जो जिंक है, देखिए इसकी रिएक्शन भी दे रखी है हमें, जिंक कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक था। अगर जो जिंक है वो कॉपर से संग क्या करता है, बहुत फास्टली रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, जिंक सल्फेट। क्या बनाता है बच्चों, जिंक सल्फेट, और क्या बनाता है उसके अंदर से, कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो और बीकर बी, अगर हम बीकर बी की तरफ चलें तो उसमें क्या है, हमारा आयरन था और हमारा कॉपर सल्फेट और आयरन था, तो इसमें जो आयरन होता है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को अलग कर देता है, और अब उसकी जगह क्या बन जाता है, फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट। जैसे कि पहले में हमें आयरन था कॉपर सल्फेट और जिंक, तो ये क्या बना लेता है बच्चों, जिंक सल्फेट और कॉपर अलग निकाल लेता है। उसी तरह दूसरे हमें कॉपर सल्फेट के संग में दे रखा है आयरन, तो आयरन कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है और क्या बनाता है, आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट भी हम इसे कह सकते हैं। तो अब हमें देखते हैं इसकी रिएक्टिविटी सी, मतलब अभिक्रियाशील की इसकी किस क्रम, अभिक्रियाशीलता का क्रम। अगर हम इसका क्रम देखें तो सबसे ऊपर हमें दे रखा है हमें पोटेशियम, हमारा सबसे अभिक्रियाशील क्या होता है, हमारा पोटेशियम। उससे नीचे फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक। अगर हम नीचे नीचे आते जाएं तो हमारा जो गोल्ड होता है, यानी जो हमारा सोना होता है, वो सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है, हमारा सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। इसी वजह से हमारा चांदी और सोना महंगा भी होता है। तो आइए कुछ के कुछ क्वेश्चन करते हैं, और इसमें कुछ और भी दे रखा है। देखिए, अगर जितना रिएक्टिव मेटल होगा वो उतने ही मेटल्स जो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा उसके ऑपोजिट सॉल्यूशन में। अगर हम पोटेशियम लें और गोल्ड लें तो हमारा क्या डिस्प्लेस हो जाएगा बच्चों, हमारा गोल्ड डिस्प्लेस हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने ऊपर करा। तो आइए देखते हैं, देखिए हमारा कॉपर नीचे है, उसके ऊपर जिंक है, उसके ऊपर आयरन, सबसे ज्यादा क्या है, जिंक। इसलिए इसमें क्या बना, जिंक, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर है। ऐसे ही दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या है हमारा, दूसरे में हमारा कॉपर निकल गया है और आयरन सल्फेट बना है, क्योंकि जो कॉपर है वो जो आयरन है, मतलब आयरन से ज्यादा वो अभिक्रियाशील यानी रिएक्टिव है। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर। हमसे पूछा हुआ है कि कॉपर सल्फेट और कॉपर का क्या रंग होता है, क्या रंग होता है बच्चों। कॉपर सल्फेट का हमारा रंग होता है ब्लू यानी नीले रंग का, और जो कॉपर होता है हमारा, यानी जो
कॉपर वो होता है हमारा ब्राउन रंग का यानी भूरे रंग का। ठीक है बच्चों, तो हमेशा आपको याद रखना है कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू रंग का होता है और कॉपर ब्राउन रंग का। आइए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाई द कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब जो कॉपर होता है वो जिंक को, मतलब जो कॉपर होता है वो जिंक को क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि जो कॉपर होता है, क्योंकि इसमें पूछ रखा है कि जो कॉपर है वो जिंक को डिस्प्लेस क्यों नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो जिंक है, देखिए बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज में आइए, जिंक और कॉपर, कॉपर जिंक को नहीं कर सकता क्योंकि जिंक अभी अधिक अभिक्रियाशील है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव। ये हमारा बच्चों दूसरे का आंसर है। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हमें जिंक, आयरन और कॉपर के कुछ धातु दे रखे हैं, हमें इन्हें घटित क्रम में लगाना है, मतलब अभिक्रियाशील के घटित क्रम में लगाना है। अगर हम इसे निकालें तो क्या आएगा बच्चों, पहले पहला हमारा आएगा जिंक, क्योंकि जिंक देखिए जिंक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो जिंक, फिर उससे कम हमारा आता है आयरन और उससे कम हमारा आता है कॉपर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर हम एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखें तो क्या होगा, तो जो क्या होगा बच्चों, देखिए हमें अभी दे रखा है आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। जो आयरन होगा वो कॉपर सल्फेट से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, और ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4। तो अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। हमें एक अभिक्रिया दे रखी है, हमें इसको कंप्लीट करना है। हमें अभिक्रिया दे रखी है जिंक, जिंक के साथ हमें कुछ दे रखा है, तो हमें यहाँ फिल करना है। हमारा प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, जिंक सल्फेट और कॉपर। अगर हमारा कॉपर निकल रहा है और सल्फेट है, तो यहाँ हमारा क्या हुआ, कॉपर सल्फेट, क्योंकि जो कॉपर है वो विस्थापित होके बाहर आ जाता है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा बच्चों, कॉपर सल्फेट। तो अगर अभी हमारी वीडियोस को लाइक करें, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हम आपको हमारे चैनल पर वर्कशीट्स एडवांस में मिलेंगी, सो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हमारी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद।